ZNSR भी लाउंज। और आज ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ईद शॉपिंग में आज रिवील करने वाली हूँ। ठीक है जी, ईद शॉपिंग में हमने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं, सो वो बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हेड ऑफ़ द हाउस के कपड़े। ठीक है जी, हस्बैंड के कपड़े शो करवाती हूँ मैं। और साथ ही साथ मज़े की बात है, मैं आपको जो ना पूरा डिटेलिंग भी बताती जाऊँगी, कहाँ से बाय की और कित प्राइस में बाय की, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट है। और ये साथ में हमने मैचिंग पैंट ऐसी ली है जो दो शर्ट्स पे चले जाएगी। और मैं इसकी रेंज भी आपको साथ ही मेंशन कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इजीली जाके बाय भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है। ये हमने बाय की थी नियर, अगर शाह फैसल का आपको एरिया का पता है तो वहाँ से बाय की है। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी क्वालिटी है। जितना भी फैब्रिक है आउट ऑफ द कंट्री है, यहाँ का मेड इन नहीं है, बाहर का मेड इन है। और इसके ऊपर मेंशन भी है ये कहाँ का बना हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, कंफर्ट फिट है ये, टैडी स्मिथ के नाम से है ये। ठीक है जी, शर्ट। और ये शर्ट जो है US पोलो की शर्ट है ये। ठीक है, और आपको पता है पोलो की शर्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। रेगुलर फिट है ये, रेगुलर फिट है। और कलर आप देख सकते हैं, अमेजिंग कलर, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लुक लग रही है। कपड़ा बहुत अच्छा होता है इसका, एक बात है, और क्वालिटी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की है। ठीक है जी, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये शर्ट है। ठीक है, और मैं प्राइस रेंज भी आपके साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये शर्ट बेसिकली हमें बार्गेनिंग करवाने के बाद जो है मिली है 1500 की। ठीक है, नॉर्मल मार्केट में 1500 की नहीं होती है, 18 to 2000 की रेंज बताते हैं, और इस 1800 से कम बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि वी आर द रेगुलर कस्टमर, सो हम इन्हीं से बाय करते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। फिर भी अभी ये तो ये जो है न्यू स्टॉक था, फिर भी बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद 1500 में उन्होंने हमें ये एक शर्ट दी है। ठीक है, एक शर्ट 1500 रुपीज़ की है, मैं आपको बताती हूँ। और इसी तरह दिस वन इज़ अगेन बहुत ही, ये मैं आपको वो प्राइस बता रही हूँ जिसमें हमने बाय की है। ठीक है, और वो आप जाके पता भी कर सकते हो, तो आपको ये जो है ना अब 15 से ज़्यादा की ही में भी मिलेगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा है ना रमज़ानों से पहले ही बाय कर लिया था। और ये वाली शर्ट भी है बहुत ही खूबसूरत सी है, ये भी एक शर्ट जो है 1500 रुपीज़ की है, दोनों शर्ट जो है 3000 रुपीज़ की हैं। ठीक है, ये दोनों शर्ट्स बहुत ही खूबसूरत थी, जो कि हम मिस नहीं करना चाहते थे, तो हमने ये दोनों बाय कर ली थी। ठीक है जी, मैं आपको पूरी रेंज के साथ बता रही हूँ, दोनों शर्ट्स 1500 रुपीज़ की, 3000 की दोनों शर्ट्स आई थी हमारी। ये बहुत अच्छा कपड़ा था, वैसे तो हमने एक एक ही लेनी थी, लेकिन बेसिकली हस्बैंड के कपड़े जो है ईद के ईद ही वो ले रहे होते हैं, तो फिर कोशिश यही होती कि शर्ट्स हम ज़्यादा ले लेते हैं और वो हो जाता है। तो और ये देख सकते हैं आप, पोलर बियर के नाम से है, स्लिम फिट में है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त की भी क्वालिटी है। ठीक है, और इसका कपड़ा आप देख सकते हो, ये जीन्स के ऊपर है, और ये आपको जस्ट जो है ना एक पैंट जो है वो तकरीबन 2200 की बताते हैं, और 2000 से कम की कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसकी रेंज इतने की ही है। ठीक है जी, ये आपको 2000 से कम की नहीं मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है ये क्वालिटी। अच्छा, हमने एक पेयर जो था ना वो लिया था, ये एक शर्ट ली थी पहले, और फिर साथ में ये लिया था, बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करने के बाद उसने 1500 की दोनों शर्ट्स लगाई थी, 3000 की शर्ट्स थी, और इसके उसने आई थिंक 1800 something 1900 कुछ इस तरह की रेंज लगाई थी उसने। टोटल बिल मेरे ख्याल में बना के दिया था हमें 3000 ये था, और 4800 या कुछ इस तरह का कुछ करके ये किया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नियर टू 5000 रुपीज़ हस्बैंड के कपड़े आए थे, 4800 रुपीज़ के ये कपड़े आए थे हस्बैंड के जस्ट। ठीक है जी, आप अलग अलग बाय करना चाहें तो जाके वो भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अब तो महंगाई हो चुकी, तो ये एक पैंट जो है ना आपको 2000 से कम की कहीं पर भी नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा, इसकी क्वालिटी अच्छी है, दैट्स व्हाई। तो ये तो जी हो गई हस्बैंड के कपड़ों की बात। ठीक है जी, और बच्चों के कपड़ों की बात भी करते हैं, अपने कपड़ों की भी बात करते हैं। ऑलमोस्ट ये जो है एक शर्ट और पैंट की अगर आप बात करो 1500 and 2000 रुपीज़ की, अगर आप इसको लगाओ
तो आप देख सकते हैं कि क्या रेंज बनती है। तो जो है रेंज थी कि एक पूरा ड्रेस हमारा जो था ना वो 3500 रुपीस का आया था, एक शर्ट और एक पैंट 35 की आई थी हमारी ये, और फिर हमने एक और शर्ट अलग से बाय की थी तो ये भी 1500 रुपीस की आई थी, तो 4800 का था। तो बहुत ज़्यादा कर करा के इस पे आके हमारा बन गया था, तो ये 5000 की रेंज के अंदर अंदर अब हस्बैंड के दो शर्ट्स और एक पैंट आई थी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कपड़ा था, इसलिए फिर हमने इसको बाय ज़रूर कर लिया, इसको छोड़ा नहीं। ठीक है, ये जो है 5000 की रेंज है, 4800 की रेंज के इनके कपड़े थे। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, बच्चों बच्चों की बातें करते हैं। ये देखें जी, ये अच्छा, ये भी हमने यहीं से बाय किया था अपने ही एरिया में, वी आर लिविना मलीर हॉल सोसाइटीज के अंदर ही, तो ये वहाँ की मलीर हॉल, अगर आपने देखा हो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है वहाँ पर भी, तो हमने वहाँ से बाय की। ये एक शर्ट जो है टी शर्ट है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, ये जो है 600 की है जस्ट, बहुत ही प्यारा सा इसका टेक्सचर है। ये एक शर्ट जो है 600 की है जस्ट ओनली शर्ट, ठीक है, मैं आपको क्लियर बताती जाऊँ, ये जस्ट ओनली शर्ट है, इसके साथ और कुछ नहीं, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो ये 600 रुपीस की है। ठीक है, ये हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, पूरा चैस मैंने देखा था, मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा सच नहीं मिला था। और एक ये ज़ाराज़ वालों की है, ये देख सकते हैं आप, ये बड़ी प्यारी है। ये जो है 500 की हमें शर्ट मिली थी, कैजुअल्स फॉर्मल शर्ट जो होती है, बहुत ही प्यारे सा कपड़ा था, बहुत ही खूबसूरत सा ये हमने लिया था। ठीक है, तो वो बेसिकली 4 ईयर्स, ये मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन है ये ज़ारा वालों की, और इसका जो है ये हमें 500 की रेंज में मिली थी जस्ट शर्ट। ठीक है, और इसके साथ हमने एक पैंट ली थी जो कि कॉटन के ऊपर है, तो ये भी हमें जस्ट 500 रुपीज़ में मिली थी। अच्छा, मज़े की बात है कि ये आप इसके साथ भी कैरी कर सकते हो, इसके साथ भी कैरी कर सकते हैं और इसके साथ भी। अगर मैं आपको बात करूँ कि इस बार महंगाई इतनी है कि जस्ट एक एक सूट एक एक बच्चे का बन रहा है। हस्बैंड की भी अगर बात करूँ तो जस्ट एक पैंट और शर्ट है, शर्ट एक एक्स्ट्रा हमने बस लिया, लेकिन पूरा सूट नहीं बनता। तो जो तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो 15000 की रेंज में हमारे कपड़े आए हैं 15000 रुपये में, क्योंकि अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा कोई चप्पल कुछ भी नहीं लिया है, जस्ट ड्रेसेस की बात करी हूँ। ये भी इसका एक फुल सूट और एक शर्ट आई है, बेटे की भी एक फुल सूट ये आया था, और मतलब 1600 में इसकी ये दो चीज़ें आई हैं। लेकिन सूट की अगर बात करूँ तो एक शर्ट है और एक पैंट है, और वो 600 की जस्ट शर्ट है। सो ये हो गया बेटे का हमारा, और इसको हम मिस एंड मैच करके किस तरह पहनाएंगे ये भी आपको बाद में दिखाएंगे हम ईद पे, इंशाल्लाह ईद पे हम फिर मैं आपके साथ प्रॉपर लुक शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं बेटी की। ठीक है, बेटी के कपड़े हमने लिए थे जैसे, और ये काफ़ी अच्छा हमें मिल गया था, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत था, और जैसा मैं चाह रही थी कि वैसा हो तो वो वैसा ही मिल गया। ये देख सकते हैं लुक, बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई हुई हुई है, बहुत ही प्यारा चिकनकारी वाला स्टाइल है, एक यूनिक सा डिफरेंट सा स्टाइल है। ये हमें पूरा शर्ट एंड विद द वाइट ट्राउज़र है इसका, ये देखें इसके ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म की फ्रिल टाइप लगी हुई है। ये पूरा सूट हमें 1500 में मिल गया बाय लक, वरना वहाँ 2000 से कम 2500 से कम कोई भी इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पर भी। तो ये 1500 का पूरा सूट हमें मिल गया था। हस्बैंड के बारे में बात करें तो 3500 की पैंट शर्ट है जस्ट एक, और पूरी दोनों की मैं बात करूँ तो 3000 की दो शर्टें हैं, और 2000 रुपीज़ की एक पैंट थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करने के बाद उसने 1800 की एक पैंट लगाई थी, तो हमारा 4800 का बिल बना था हस्बैंड के, मतलब अराउंड 5000 लगा ले। बेटे की 1600 की शॉपिंग हुई थी, वन डे का ही है एक उसका, और साथ में जस्ट 600 की अलग से शर्ट ली, उसके साथ मैंने कुछ और ख़रीदा नहीं। फिर बेटी की बात करें तो ये 1500 का जस्ट इसका ये पूरा सूट मैंने लिया है, ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा। इसकी डिटेलिंग अगर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, देखें कितने अच्छे इसके ऊपर जो है ना लैस लगाई हुई इन्होंने, बहुत ही प्यारा सा डिटेलिंग में जो है ना इसके ऊपर वर्किंग हुई हुई है। और ये पूरा सूट जो है ना 1500 में, आपको इसलिए प्राइजेस भी बता रही हूँ, वाकई में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सो हमने इसलिए ज़्यादा कपड़े बाय नहीं किए थे, लेकिन फिर भी कम में भी 15000 जो है हमारे लग गए, बहुत कम हमने कपड़े ख़रीदे हैं अभी।
अभी बच्चों की हमने कोई जूते, कोई शूज़, कोई बैंगल्स कुछ भी नहीं लिया है फ़िलहाल हमने, ठीक है। जस्ट मैंने जो है बच्चों के लिए ग्लासेस और ग्लासेस वगैरह लिए थे और जो है वॉचेस ली थी, तो वो भी 2-2 100 रुपीज़ की थी, 1000 रुपीज़ उस दिन भी लग गए थे, ठीक है। सो ये एक इसका सूट हो गया, बहुत ही प्यारा सा एक दिन का इनका हो गया। इसी तरह इनकी भी एक ये मैंने शर्ट ली थी, देखें अब वो पूरा सूट 1500 का था। और ये अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो है मैंने एक फ्रॉक ली थी इनकी, बहुत ही खूबसूरत सा कलर मुझे लग रहा था और इनके पापा को बहुत पसंद था ये, देख सकते हैं करीब से भी दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है। और ये जो है जस्ट 1000 रुपीज़ की एक फ्रॉक है। सो इसके साथ भी हमने जो है इसके साथ हमने फिर अलग से, आपको पता है ये 450-50 रुपीज़ के होते हैं जो पजामे टाइट्स वगैरह चैज में, वो अच्छे होते हैं। और जो 200 की रेंज वाले हैं वो बहुत ही गंदा सा उनका स्टफ़ होता है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और इवन दैट के वो सी थ्रू भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 450 रुपीज़ का मैंने ये ले लिया था, ठीक है। ये मैंने दोनों चीज़ें चैज से ली थी इनकी, ठीक है। बॉयज़ की बात करें शॉपिंग की, तो वो सारी अदर मार्केट से हुई हुई है, और मदर एंड डॉटर की बात करें तो हमारी चैसअप से हुई हुई है। तो ये इनकी जो थी, ये जो है 450 रुपीज़ का ट्राउज़र एंड 1000 रुपीज़ की, मतलब दोनों की अगर बात करूँ तो वो 1500 और ये भी ऑलमोस्ट 1500 हो गए हैं, मतलब 3000 की इनकी ये शॉपिंग हुई थी जस्ट फॉर माई डॉटर, ठीक है। ये इनकी 1500 की दोनों चीज़ें हो गई, 500 का पजामा, 450 का पजामा है, 50 रुपीज़ है, ठीक है, और बाकी ये इनका हो गया। और अगर मैं अब अपनी बात करूँ तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, एक ड्रेस मैंने 3 days ड्रेसेस इस तरह से हो गए थे कि लास्ट ईयर का मैंने जो है ना ये कपड़ा लेके रखा हुआ था जो कि मैंने अभी तक स्टिच नहीं किया था। तो ये एक ड्रेस था मेरी डॉटर का सेम इसी तरह का, वो अभी शर्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, गई हुई है, तो जो है इसलिए मैं आपको शो नहीं करवा सकती। और एक ड्रेस हमने ये घर से बनाया, ये भी हस्बैंड ने कपड़ा इन्होंने दे दिलाया था लास्ट टाइम का, लेकिन मेरे से इतनी सुस्ती का आ रही थी कि मैंने बनाया नहीं इसकी। मैंने साथ में पजामे ख़रीदे थे जो कि मैंने कपड़ा लिया था, ड्रेस पूरा कपड़ा भी लिया था। ये हमें कपड़ा मिला हुआ था 700 का कपड़ा था, पजामों का कपड़ा 500 रुपीज़ का था, और ये अनस्टिच कपड़ा था, ठीक है, तो ये सिला हुआ नहीं था। ये वाला ड्रेस फिर मैंने घर पे खुद बना लिया था, बेटी का और मेरा बिल्कुल सेम है। तो ये एक ड्रेस हमारा ये हो गया, तो मेरी बेटी के 3 हो गए। क्या आपको पता बच्चों को तो चाहिए होता है, बेटे के अभी फ़िलहाल 2 मुश्किल से हैं, एक पूरा है और एक नहीं। और एक ड्रेस मैंने अपना चाहे सबसे लिया जो कि बड़ा महंगा पड़ा इन सेंस, लेकिन बहुत खूबसूरत था, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग मेरा ड्रेस है, बहुत ज़्यादा प्यारा। वैसे मैं 3-piece लेती हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था। इवन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, हम दोनों को जो चीज़ अच्छी लगती है फिर हम वो ले लेते हैं। तो ये हमें ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ इसका। जी ये था हमारा पूरा ड्रेस, ये देख सकते हैं, ये मैंने अलग से कुर्ती ली थी, ये 2000 रुपीज़ की जस्ट स्टिच कुर्ती है, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा प्यारा, इसके ऊपर लेस लगी हुई डिटेल में आपको मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने चैस से ख़रीदा था और फिर मैंने इसको अपने साइज़ का कर लिया, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह का कुछ प्रिंट है ये इसका, और ये मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। मुझे ये चीज़ इसकी और मेरे हस्बैंड को दोनों को बहुत अच्छी लगी थी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ब्रांड में आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, और ये इसकी स्लीव्स हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, ये देख सकते हैं आप, ये 2000 रुपीस की स्टिच कुर्ती है, बहुत ही प्यारी थी। और इसकी बैक साइड में आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह की है, ठीक है, बैक साइड पे कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बस ये देखें, बहुत प्यारा वाइब्रेंट कलर था, इसीलिए हमने ये मैचिंग लिया था दोनों का, कि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो ये हमारा एक ड्रेस था, और इसके साथ जो है ये 2000 की जस्ट कुर्ती थी, और इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये भी ट्राउज़र है, मैच कलर था, बहुत प्यारा, और ये देख सकते हैं जेट ब्लैक में मैंने ये लिया था, और ये मुझे 950 रुपीज़ का मिला था, 950 रुपीज़ का, 950 की जस्ट मुझे ये ट्राउज़र मिला था इसके साथ का, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा इसका ये कपड़ा है, देख रहे हैं आप, स्टिचिंग भी बहुत आला हुई हुई है इसकी, और मुझे थोड़ा ना मतलब चाहिए था ज़रा बिगर वाला ना,
ये देखें 5-6 और इस तरह का बहुत प्यारा सा इसका कपड़ा भी था, सी थ्रू नहीं है, बहुत गंदा वाला जो होता है ना वो नहीं है, वरना मोस्टली इस तरह का होता है बहुत ही अजीब सा, तो वो जो है ना आपको सस्ते भी मिल जाते हैं और वो ऐसे ही होते हैं, तो मैंने वो नहीं लिया। फिर हम लोगों ने जब शॉपिंग करनी होती है तो फिर हम फिर इस तरह से नहीं करते कि अच्छी चीज़ लो बंदा ले। तो ये मैंने ट्राउज़र लिया साथ में, 950 रुपीज़ का ट्राउज़र आया। मैं सारी वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने पे किए हैं पैसे, और 2000 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 3000 का ये मुझे ड्रेस पड़ा, और दुपट्टा मेरा फिर रह गया था। तो फिर जो है दुपट्टे के लिए आपने ब्लॉग में देखा होगा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर भी किया था, तो फिर हमने दुपट्टा लेना था, उसके लिए काफ़ी मैचिंग चल रही थी। सो दुपट्टा, दिस वन इज़ द दुपट्टा, ये दुपट्टा हम लोगों ने खरीदा वहाँ से, ये मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा साथ में, तो मैंने कहा थोड़ी सी ना लुक अच्छी आएगी, और इससे इसमें जान आ गई एकदम से ना बहुत ज़्यादा। ये हमने दुपट्टा लिया 950 रुपीज़ का, ये जस्ट दुपट्टा है, ठीक है, 950-950 का दुपट्टा लिया, अलग मार्केट से लिया था। फिर उसके ऊपर 50 रुपीज़ की ये मैंने पीको करवाई है, मतलब 1000 रुपये का मुझे ये दुपट्टा पड़ा। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, तो फिर जो है मेरा जो ड्रेस है ना, 1000 रुपये का दुपट्टा हो गया, 950 रुपीज़ की ट्राउज़र एंड 2000 की शर्ट, 3 एंड हो गए जी हमारे 4000, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 हो गए, 50 रुपीज़ बचे खाली ना, और 4000 हो गए। और फिर उसके ऊपर ये दुपट्टे की जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा हैवी सा लुक देने के लिए, क्योंकि दुपट्टा बहुत लग रहा था मुझे और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा खाली, तो इसकी लुक को कंप्लीट हमने किया। दिस वन इज़ अ GPO बेल ली हम लोगों ने, अभी वो लगानी है मुझे, और मैंने अभी लगाई नहीं, तो ये अभी इसके नीचे ये लगेगी GPO बेल, फिर इसकी फुल एंड फाइनल लुक होगी। और ये बेल मुझे जस्ट अभी 450 रुपीज़ में, 450 रुपये की ये आई है बेल, ठीक है, ये 2.5 गज बेल है खाली, जो मैंने दो साइडों पे लगानी है, 4 साइडों पे नहीं लगा रही, जस्ट दो साइडों में, ताकि लेंथ बड़ी भी लगे और ये खूबसूरत लुक देखिए इसके साथ, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी मैंने लगानी है, अभी लगाई नहीं है, ये इसके ऊपर अभी बेल लगेगी। तो मेरा दुपट्टा जो है ना 1500 का दुपट्टा पड़ा था, 1000 रुपीज़ का ट्राउज़र हो गया, 2000 की मेरी हो गई है कुर्ती, तो मेरा ऑलमोस्ट 4500 रुपये का सूट मेरा बना है, 4800 जो है मेरे हस्बैंड का हो गया, तो आप लगा लें 10000 तो हमने यहीं पर पूरा कर गए। और बच्चों के एक्स्ट्रा, मतलब मैं आपको लमसम बता रही थी कि 15000 हमारे लग चुके हैं अभी हमारे जो है ना कपड़ों पे, और हमने अभी जस्ट जो है ना बच्चों का एक बच्चों के दो सूट लिए हैं, बलाज का भी अभी एक ही बना है उसके साथ, चलो ब्लैक पैंट है वो मैं घर से कर लूँगी, अभी हमने उनके जूते वगैरह नहीं लिए हैं, वॉचेज़ ली थी और इस तरह की, अभी चूड़ियाँ वगैरह रहती हैं बच्चों की, आपको पता बच्चों को तो ईद का चाहिए ना, उनको तो पूरा चाहिए होता है। और ये देखें मैं ना लेते लेते भी अपने ऊपर 5000 लगा बैठी हूँ, तो इसको भी पूरा करना है। तो आप लोगों को मेरी किस तरह की लगी सारी हमारी ईद की शॉपिंग ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा था जो आज का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस, तो इंशाल्लाह फिर जब मैं प्रॉपर कैरी करूँगी, बच्चों को पहनाऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ईद व्लॉग के अंदर। और फिर आप हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारा व्लॉग किस तरह का लगा, और ये है हमारा आज का शॉपिंग व्लॉग, ज़रूर देखना है और आपने बताना है कमेंट करके कि आप लोगों को किस तरह का लगा। और यहाँ मैं अपने बच्चों के भी साथ में आपको शो करवा देती हूँ, ठीक है, कि बच्चों के भी साथ में हम शॉपिंग आपको शो करवा देते हैं, ताकि आप लोगों को कैसा लग रहा है पता चल जाए। और फिर मेरे हस्बैंड मेरे साथ किस तरह का ड्रेस पहनेंगे, पसंद करेंगे, तो ये भी तब पता चल जाएगा, शर्ट कौन सी कैरी करते हैं, ठीक है, ये वाली करेंगे या ये वाली करेंगे, ये तो खैर अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम डे वन कौन सी पहनेंगे, तो हम जो है शायद ये वाली पहन लें, सो मे बी हम दिस वन पहन लें, हो सकता है, या दिस वन पहन लें, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। सो ये थी हमारी आज का ईद शॉपिंग व्लॉग, उम्मीद करूंगी कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा, और अपनी दुआ में रखिएगा याद हमें भी, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल,
महंगाई बहुत है, इसलिए शॉपिंग शॉपिंग ही रह गई है। ठीक है जी, और ये देखें आप, मेरी बेटी के ड्रेसेस भी बहुत प्यारे हैं, ये देख सकते हैं बहुत प्यारे से ड्रेसेस हैं इनके भी, ये देख सकते हैं आप। सारे मैंने ड्रेसेस आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ब्लॉग किस तरह का लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,